नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की कई सीमाओं पर किसान धरने पर बैठे हैं। ऐसे में फिलहाल दिल्ली आवागमन का प्रमुख मार्ग कुंडली मानेश्वर पलवल, जो कि केएमपी के नाम से जाना जाता है, एक्सप्रेसवे ही है। किसानों ने बृहस्पतिवार को एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च करने का ऐलान किया था, जिसके चलते आज किसानों ने केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसान कुंडली बॉर्डर से सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर केएमपी पर चढ़े और पलवल की तरफ मार्च किया। वहीं रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, पलवल तथा अन्य जिलों के किसान भी बीच में केएमपी पर चढ़े। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए सभी जिलों का प्रशासन अलर्ट पर है। काफ़ी संख्या में पुलिस बल लगाने की तैयारी, जिससे जाम न लगे, वही आम वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह भी दी जा रही है। जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहले से ही बंद है और केएमपी बंद होने के कारण चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब से दिल्ली, जयपुर की ओर आवागमन करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यही नहीं, आम दिनों में एक अनुमान के मुताबिक केएमपी पर रोजाना 20 से 30 हज़ार
छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं और एक दिन में केएमपी के टोल पर लगभग 28 से 29 लाख रुपए की वसूली होती है। इन दिनों किसानों ने टोल फ्री कर रखा है और किसानों के आंदोलन के कारण गुजरने वाले वाहनों की संख्या भी कुछ कम आई है। बादली के बाद पलवल तक जरूर वाहनों की संख्या बढ़ी है। वहीं उत्तर प्रदेश व दिल्ली से पंजाब की ओर जाने वाले वाहन चालक भी आंदोलन के चलते केएमपी से ही निकल रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।